वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। तो फार्मिंग में बहुत सारे वीडियोस करते रहते हैं। आज जो है मैं स्पेसिफिकली काजू और हाउ डज इट ग्रो ये सीरीज हम कर रहे हैं, जिसके अंदर काजू की खेती कैसे की जाती है वो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो काजू इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में तो कोकण के एरिया में होता है, जो पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे इसे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी लगता है काजू स्पेसिफिकली, अगर अच्छा वाला ग्रो करना है तो। बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ये जो है ये काजू का सीड है। आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल काजू की शेप में लगता है। तो ये काजू का सीड है जो ग्रो होता है काजू के फ्रूट के ऊपर। काजू का फ्रूट कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो है काजू का फ्रूट है और ये इसके नीचे जो काजू है, तो इसका प्रोसेसिंग है वो हम आगे कंटिन्यू आपको दिखाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी खेती के बारे में। ये इस तरह के कुछ बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। प्लांट ग्रो करने का सिंपल फार्मूला है, आपको ये बीज जो है ज़मीन के अंदर डालना है तो ये प्लांट वहाँ से निकलेगा। 2 से 3 महीने लगता है बारिश के टाइम पे। और पूरी जो खेती है ये पहाड़ पे की गई है। काजू के पेड़ में या काजू के प्लांट में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो है इसके जो फ्लावरिंग है उसको टिकाना। जो फ्लावरिंग आती है इसके ऊपर, यहाँ पे आप देखिए ये इसका फ्लावर है, बट अगर फ्लावरिंग के टाइम पे किसी भी वक्त यहाँ पे धुंध पड़ती है तो जो है इसको फंगस लग जाता है और ये फ्लावर जो है पूरे गल जाते हैं और यहाँ पे फ्रूट नहीं आता। तो आम वाला ही सिस्टम होता है। काजू के फ्रूट का जो लाइफ साइकिल है वो कुछ इस तरह से रहता है। आपको छोटे छोटे फूल लगते हैं जैसे आम में होते हैं, उस फूल के बाद है कली से जो है इस तरह का फ्रूट निकलता है, नीचे बीज होता है। बीज का साइज़ पहले आपको बड़ा दिखेगा बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो फ्रूट जो है ग्रीन कलर में, ये फ्रूट है, फ्रूट बढ़ रहा है, बीज का साइज़ उतना ही रह रहा है। अंदर जो है वो सीड डेवलपमेंट ऑब्वियसली चालू है और जैसे जैसे ये लाल होता जाएगा, ये अब इसका हार्वेस्टिंग का पॉइंट है। तो जिस टाइम पे ये लाल हो जाता है ये निकाल लिया जाता है। लाल होने के बाद इसका जो फ्रूट है, आप फ्रूट निकाल के आपके पास अगर कोई फैनी का प्रोडक्शन का कोई फैसिलिटी है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ये फेंकना पड़ेगा। और ये जो बीज है वो आप इसे ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं। ये बीज आपको मार्केट में बेचना होता है, ये ऑलमोस्ट जाता है 100 रुपये से 150 रुपये किलो के भाव में, जो कि बहुत ही कम है। बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे 1200 से 1300 रुपये किलो मिल रहा है, या फिर गोवा में तो हमने देखा, कोकण में देखा 1200 रुपये किलो मिल रहा था। जैसे जैसे मार्केट में जाएंगे आपको 1500 से 2000 रुपये किलो जो है काजू मिलेगा खाने के लिए, बट किसान से जो है ये 100-150 रुपये किलो में जाता है। तो खाने में ये थोड़ा तुरट लगेगा। तुरट को क्या बोलते हैं मैं मुझे नहीं पता, ये एक बार काट के दिखा दीजिए। तो इसे इस काट के ओ हाँ क्या क्या बिया छो बिया, तो ये इस तरह का फ्रूट है। ये थोड़ा एप्पल की तरह दिख रहा है दिखने में, इसको थोड़ा आपको टेस्ट करके बताता हूँ। हाँ कुछ कुछ जामुन खाने के बाद जो आपका मुंह फील करता है उस टाइप का है। मुझे तुरट को क्या बोलते हैं मुझे नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ आपको, बट टेस्ट अच्छा है। काजू का बीज आप ऐसे कैसे नहीं खा सकते, एक शेल होता है अखरोट के जैसे आउटर शेल, उसके अंदर का होता है बीज। तो यहाँ से चलते हैं फैक्ट्री में और फैक्ट्री में आपको उसका पूरा टूर कराते हैं। तो काजू का फल कुछ ऐसा होता है, ये आता है काजू के ट्री पे और नीचे है इसका बीज जिसके अंदर से निकलता है काजू, इसे हम कैश्यू बोलते हैं। तो ये काजू किसान बेचते हैं और बेचने के बाद आता है इस तरह के ओपन फील्ड में, यहाँ पे इसे सुखाया जाता है, जिसका ऑलमोस्ट 3 दिन का टाइम रहता है। 3 दिन तक सुखाते हैं, दिन भर रखते हैं, रात को इस पर तिरपाल ढक देते हैं ताकि मॉइस्चर ना पकड़े, और फिर तीसरे दिन इसको वजन करके फैक्ट्री के अंदर लाया जाता है। तो ये इस तरह की फैक्ट्री होती है। मैं आपको यहाँ पर पहले स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ और फिर बाद में फैक्ट्री का टूर कराऊँगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आया है हमारा काजू, ये अभी धूप में सुखा के आया है। इस प्रोसेस के बाद अगला प्रोसेस है इसका बॉइलिंग का। तो इस स्टेज में इसे बॉईल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर का काजू कच्चा होता है, उसे पकाना भी चाहिए, तो पकाने के लिए इसे बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद अगली स्टेज आती है इसको ब्रेक करने की। तो ये ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद इसके अंदर का ये जो बीज है ये है हमारा असली काजू और ये बीज बाहर आता है। बीज के बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है जिसके अंदर छिलका आपको आसानी से दिख रहा होगा कि क्योंकि निकालने के बाद इसके अंदर छिलका प्रेजेंट है और ये छिलका निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए अलग मशीन है, वहाँ पे छिलका निकलता है और ये हमारा फाइनल जो वाइट कलर का रोस्ट किया हुआ जो काजू है। इन दोनों प्रोसेस के बीच में रोस्टिंग ज़रूरी है। रोस्टिंग करने के बाद ये फाइनल पीस जो है हमारा निकलता है। इसके अंदर अलग अलग साइज़ में सेपरेट किया जाता है, टुकड़ा अलग करते हैं, ये सिंगल वाला अलग करते हैं और ये डबल वाला अलग करते हैं। ये था फाइनल प्रोसेस पूरा काजू का लास्ट तक। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ मशीन्स कि कौन सी मशीन में क्या काम होता है और कैसे कैसे तैयार होता है।
तो बोरियों में भर के काजू को जो है इस तरह लाया गया है, ये धूप में सूखा हुआ है अच्छी तरह से। इसे बॉईल करना बहुत ज़रूरी है। बॉईल करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े जो है बॉयलर्स लगाए हुए हैं। बाहर के सामने पे एक बॉयलर है जिसके अंदर स्टीम, इसको एक्चुअली स्टीम कुकर बोल सकते हैं। बाहर जो है वो बॉयलर है, उसका काम होता है स्टीम जनरेट करना इस बड़े से कुकर के अंदर। ये देखो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के इस बॉयलर के अंदर काजू को डालते हैं और 8 मिनट के लिए 100 से 101 डिग्री के ऊपर इसको अच्छी तरह से पकाते हैं। 8 मिनट के अंदर भाई साहब ये पक जाता है। पकने के बाद इसे बाहर निकाला जाता है, अगले स्टेज में लेके जाया जाता है। ठंडा करने के बाद हम लेके आते हैं इस मशीन्स के अंदर। ये एक मशीन शॉप है जहाँ पर अलग अलग ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है जिसका काम होता है काजू को फोड़ना। तो एक मशीन मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए ये मशीन है, ये हम यहाँ पर चला के दिखा देते हैं आपको। सब स्टार्ट। तो इस हॉपर के अंदर हमने जो है काजू को डाल दिया है। ये काजू यहाँ से पिक करता है, ये डाल रहा है उसके अंदर। ये डालने के बाद आता है नीचे, नीचे जो है इसे ब्रेक करने का काम किया जाता है। और ये जो अखा काजू है इसके हो जाते हैं 2 टुकड़े, उसमें से ये पीस जो है बाहर निकलता है, छिलका जो है वो हमारा अलग हो जाता है। तो ये इस तरह की बहुत ही बढ़िया मशीन है जो इसका काम होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि छिलका वाला जो है ये आ गया है, बट इसे रोस्ट करना पड़ता है और वो रोस्ट करते हैं बड़े से ओवन के अंदर। ये है रोस्टिंग का सेक्शन, ये है बड़ा सा ओवन, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये है ओवन और ये इसके अंदर भरा हुआ है सारा काजू। अभी गर्म है बट ये जो है ये काजू है, छिलके वाला काजू है, इसको रोस्ट किया गया है। रोस्ट करने के बाद है इसका जो छिलका निकाला जाता है। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन के अंदर जिसका नाम है पीलिंग। अब पीलिंग के अंदर क्या होता है, वहाँ पे उसका छिलका निकाला जाता है। बट उससे पहले ना इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग, ये अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ये मॉइस्चराइजिंग रूम है। इसके अंदर अंधेरा है यहाँ पे बहुत ही, इसके अंदर मॉइस्चर ऐड किया जाता है। तो ये अलग अलग फ़ैन और ये पूरा उसके अंदर रखते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर को ऐड करते हैं। मॉइस्चर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसका छिलका निकलना चाहिए, छिलकों को थोड़ा सा नमी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है पीलिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स लगाई गई हैं। ये जो है ये है ऑटोमेटिक मशीन, अभी बंद है फैक्ट्री, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसमें डालने के बाद ना इसके अंदर हवा से इतना प्रेशर जनरेट करते हैं कि उसके जो छिलके हैं वो अलग निकल जाते हैं। तो इस मशीन में पीलिंग होता है और पीलिंग करने के बाद ये जो बड़े बड़े क्रेट हैं, ये बड़े बड़े क्रेट हैं, इसके अंदर जो है असली काजू यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है। तो पूरे एकर में आप सोचेंगे कि अगर पूरे एकर में हम काजू की खेती करते हैं तो हमें कितना आउटपुट आता है। एक एकर मध्ये तशी लागावीची झाडं असतील ना? एक मिनिट, हा बी घ्या। 2-3 क्विंटल का होता बी? क्विंटल 2-3 क्विंटल किती एकरामध्ये? एकरामध्ये। अच्छा, लागावीची झाडं चांगली असतील तर ओके सगळीच काय चांगली नसतात। मग किती उत्पन्न होतं त्यातनं? तरी बी आता 2-3 लाख रुपये तेवढे नाही होत। नाही होत, नाही होत। आता 100 रुपये किलो ने गेलं तर 1 क्विंटलला किती झाले? 10,000 रुपये झाले। एक क्विंटल, हाँ क्विंटल, बरोबर बरोबर, हाँ 10,000 100 किलो चा 1 क्विंटल, बरोबर बरोबर, 10-20 हजार रुपये होते थे ना? 20-25 हजार रुपये होता। ठीक है। तो एक चीज़ ये है कि थोड़ा लेबर ओरिएंटेड है हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपको ये जो फ्रूट है वो निकालना है। तो जैसे जैसे फ्रूट है वैसे वैसे आपको वो हार्वेस्ट करना है। ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा जुगाड़ किया है, लकड़ी को थोड़ा सा मोड़ के बाम्बू को ऐसे निकाल दिया, तो फ्रूट जो है यहाँ पे नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं। तो पूरे एकर में अगर आप खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। अगर प्लांट्स भी आपके अच्छे खासे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार रुपये तक आप कैशू से कमा सकते हैं। बट इसका एक ये फ़ायदा मेन होता है कि अगर आपकी ज़मीन जो है वो पहाड़ के एरिया पर है और ज़्यादा खासतर बंजर है, उसमें और कोई क्रॉप नहीं ले सकते, आपके यहाँ पर बारिश भी अच्छी खासी होती है, तो वो टाइम पे आप काजू की खेती कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर सकते हैं। अभी इंडिया में ऐसा सीन है कि इंडिया में काजू बहुत जगह से इम्पोर्ट होता है, ज़्यादातर जो है अफ्रीका देशों से इम्पोर्ट होता है जो और भी सस्ते में मिलता है। तो ये डिफरेंस क्यों है मुझे नहीं पता।